हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वंशिता क्लासेस। आज हम करने वाले हैं, हमारा टॉपिक है स्क्वायर ट्रिक 11 to 199। आप सभी को पता होगा स्क्वायर का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सभी क्लासेस में हम स्क्वायर का यूज़ करते हैं और जैसे जैसे हम सीनियर क्लासेस में जाते हैं वहाँ जाकर तो हमें टिप्स पर स्क्वायर लर्न होने चाहिए, तभी हम क्वेश्चंस को फाइंड कर सकते हैं। बट हम ज़्यादा स्क्वायर्स को लर्न नहीं कर सकते, तो उसके लिए आज मैं आपके पास एक ट्रिक लेके आई हूँ जिससे आप कुछ ही मिनटों में स्क्वायर्स को फाइंड करके आंसर निकाल पाओगे, वो मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए सबसे पहले आपको 1 to 10 स्क्वायर लर्न होने चाहिए, जो कि बहुत ईजी हैं और स्टूडेंट्स को लर्न भी होते हैं। आज सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर मींस वर्ग, हिंदी में से बोला जाता है वर्ग। स्क्वायर का ये देखो साइन होता है, 2 से डिनोट करते हैं हम इसे। अब देखिए 1 square 2, 1 हमारा क्या है बेस और 2 क्या है हमारी पावर। तो इट मींस बेस को हम 2 टाइम क्या करेंगे, मल्टी। देखिए 1 बेस है हमारा, मल्टी 1, 2 टाइम मैंने यहाँ पे 1 को 1 से क्या किया, मल्टी। तो 1 से 1 को मल्टी करके क्या आंसर फाइंड होगा हमारा, 1। तो ये हमें ओरली लर्न होने चाहिए। देखिए 2 स्क्वायर, देन 2 मल्टी 2 4, 3 स्क्वायर, 3 मल्टी 3 9, 4 स्क्वायर, 4 मल्टी 4 16, 5 स्क्वायर, 5 मल्टी 5 25, 6 स्क्वायर, 6 मल्टी 6 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 एंड 10 स्क्वायर 100। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को ये लर्न है। अगर नहीं भी लर्न तो मैंने आपको फाइंड करने का मेथड बताया है, बेस पावर। जो बेस होगा जितनी पावर होती है उसको उतने टाइम्स क्या कर देते हैं हम, मल्टी कर देते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे शॉपी करके दिखाया। अब देखिए मैं आपको 2 digit, 1 digit हमने लर्न कर लिए 1 to 10। अगर हमें 1 to 10 लर्न हो गए, आगे जितने भी स्केयर हैं वो फाइंड करना हमारे लिए बहुत इजी है। अब देखिए मैं आपको बताऊंगी 13 स्क्वायर। ऑलमोस्ट स्टूडेंट को ये लर्न होगा, पता होगा कि 13 का स्क्वायर 169 होता है। बट मैं आपको फाइंड करने का मेथड बता दूं कि किस टाइप से फाइंड करेंगे। देखिए 3 स्क्वायर, ओनली 1 डिजिट देखेंगे 3, और अलग से ही देखेंगे हम 1। 3 स्क्वायर क्या होता है, 9। अभी हमने किया था 3 स्क्वायर 9। हमें कभी भी सिंगल डिजिट नहीं लिखती, उसके साथ क्या लगानी है, एक आगे की तरफ जीरो लगानी है। आगे जब हम जीरो लगाते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, सेम 9 ही रहेगा, बट पीछे जीरो नहीं लगानी। 1, देन 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1। दोनों डिजिट का मैंने अलग अलग स्क्वायर किया। अब देखिए हम क्या करेंगे, मल्टी। 1 मल्टी 3 मल्टी, जो हमारी पावर है उसको मल्टी। 1 3 आ 3, 3 2 आ 6, कितना आया हमारे पास 6। अब हमें पीछे से एक डिजिट छोड़नी है हर स्क्वायर में, पीछे से एक डिजिट छोड़ी। अब नेक्स्ट आगे क्या लिख रहे हैं, 110 प्लेस पर 6, देन प्लस करेंगे, देखिए 961। अभी मैंने आपको बताया भी था 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। तो मैंने अब आपको फाइंड करके भी दिखाया। सिमिलरली अब 26 का फाइंड करके दिखाऊंगी मैं आपको, सेम प्रोसीजर, अलग अलग फाइंड करेंगे। 6 square क्या होता है, 36। 2 square क्या होता है, 4। अब मैंने क्या बताया था, मल्टी करना है, 2 मल्टी 6 मल्टी 2, 2 6 आ 12, 12 2 आ 24। अभी बताया था मैंने लास्ट प्लेस हमारा ब्लैंक रहना चाहिए, ये ध्यान रहे कि पीछे वाले डिजिट के नीचे डिजिट नहीं आएगी। तो 2 6 आ 12, 12 2 आ 24, देन प्लस करेंगे 6, 3 प्लस 4 7, 4 प्लस 2 6। आप चेक कर सकते हैं इसको मल्टी करके 26 को 26 से, देन 676 ही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट 48,
देखिए मुश्किल नहीं है, जितना ज्यादा आप उसको प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए इजी हो जाएगा। आप कॉपी पेन उठाइए और इसको सॉल्व करके देखिए अपने हाथ से। 8 and 4, 8 square 64, 4 square 16, देन मल्टी 4 multi 8 multi 2, 4 8 32, 32 2 64। अब देखिए लास्ट डिजिट फिर से ब्लैंक है, आगे वाली डिजिट कोई मैटर नहीं करती बट पीछे वाली एक डिजिट ब्लैंक रहनी चाहिए हमारी। देन प्लस 4, 6 plus 4 10, 6 6 12, 12 plus 1 30, 2304। नेक्स्ट 76 का स्क्वायर, 76 का स्क्वायर, सेम प्रोसीजर, 6 square 36, 7 square 49, देन मल्टी 7 multi 6 multi 2, 7 6 42, 42 2 84, देन एडिशन 6 7 8 or 9, 17 or 5, तो 76 का स्क्वायर क्या हुआ, 5776। आप अपनी नोटबुक पर, ये मैंने रेंडमली नंबर ली थी, कोई भी नंबर चूज कर सकते हो 99 तक, सेम प्रोसीजर होगा और इसको सॉल्व कर सकते हो आप, बिल्कुल आपका एक्यूरेट स्क्वायर फाइंड करेंगे। अब मैं आपको कुछ अलग बताऊंगी। देखिए अब मैंने लास्ट में इन नंबर के 5 लिया है, तो मैं आपको जिसके एंडिंग 5 नंबर होगा उसका आपको स्क्वायर फाइंड करने का बहुत इजी ट्रिक दे रही हूँ। देखिए 5, जब भी लास्ट में 5 आ जाए सबसे पहले हमें क्या करना है, 5 का स्क्वायर करना है। तो 5 square 25, पता होगा सभी को। अब देखिए यहाँ जो आगे हमारे पास डिजिट है क्या है, 1, जो यहाँ पर डिजिट है इस डिजिट का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, उस नंबर से हमें मल्टी करना है। देखिए 1 का नेक्स्ट क्या होगा, 2, देन 1 multi 2 क्या हो जाएगा, 2। तो 15 स्क्वायर आप चेक करके देख लीजिए अपनी नोटबुक पर, 225 ही होगा। नेक्स्ट 5 square 25, 3 का नेक्स्ट नंबर 4, तो 3 multi 4 3 4 are 12, तो 35 का स्क्वायर फाइंड करेंगे आप तो होगा 1225। 75 का स्क्वायर आप इसको मल्टी करके देखिएगा तो बहुत लेंथी पड़ेगा और आपको मैं कुछ मिनटों में ही क्वेश्चन का स्क्वायर फाइंड करना बता रही हूँ। ये जरूरी नहीं कि आप देखेंगे कि ये तो बड़ी क्लासेस में यूज हो रहा है, छोटी क्लासेस में भी यूज होगा, जूनियर क्लासेस में। कैसे, सेम नंबर को सेम नंबर से आपका टीचर मल्टी करने के लिए देगी तो आप उसको चेक कर सकते हो कि हमारा क्वेश्चन का आंसर राइट हुआ या रॉन्ग हुआ, विद टीचर की हेल्प के आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि हमारा क्वेश्चन राइट है। देखिए 5 square 25, 7, 7 का नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, 8, देन 7 8 are 56। नेक्स्ट 95, 5 square 25, देन 9 की नेक्स्ट वैल्यू 10, 9 multi 10, 9, 115, 5 square 25, 11 का करेंगे आप, 11 को 12 से मल्टी कितना होगा, 132। सिमिलरली 125 का किसी भी 199 तक लास्ट एंडिंग डिजिट अगर आपके पास 5 आ रहा है तो आप इस रूल को फॉलो कर सकते हैं। और आपको मेरी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर मैं आपको 101 टू 199 तक अपने नेक्स्ट पार्ट 2 में बताऊंगी किस टाइप से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।